अगर आप चाहते हैं कि घर पे रह करके आधार में मोबाइल में लिंक करना और अपने फैमिली का किसी भी मेंबर का किसी सदस्य का भी अपने घर पे रह करके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना है और कैसे चेक कैसे लिंक करना है आधार में मोबाइल नंबर, टोटल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया, तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम टेक से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्त रिलेटिव के पास जरूर शेयर कीजिएगा। चाहते हैं घर पे रह करके नंबर को आधार में मोबाइल नंबर को अपडेट करना या लिंक करना, तो टोटल इसमें इस वीडियो में बताते हैं, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल में आपको लिखना है IPPB लिखना है, जैसे लिखिएगा उसके बाद टोटल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा भी नहीं। जैसे ही IPPB लिखिएगा तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको आपको क्या करना, ओपन करना। ओपन करने के बाद में यहाँ पे जैसे ओपन कीजिए, ओपन करने में पॉपअप मैसेज आएगा, उस पॉपअप मैसेज को आपको यहाँ से रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ सर्विस रिक्वेस्ट पे आपको ओपन करना है, सर्विस रिक्वेस्ट जो दिया हुआ है उसको बाद नॉन बैंकिंग या बैंकिंग है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, नॉन बैंकिंग पे टिक करें। नॉन बैंकिंग पे टिक करने के बाद में यहाँ पे ऑलरेडी बता देगा, सबसे पहले उसको आपको ओपन करना। ओपन करने के बाद इसे ओपन कीजिए, यहाँ पे उसको मतलब यहाँ पे नेटवर्क काफ़ी वीक रहता है तो यहाँ पे नेटवर्क फास्ट रहेगा जहाँ पे आपके पास, उसको तभी ऐप को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो भी आधार से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट करवाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट करके, जैसे आपको आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करना, तो यहाँ पे आधार नंबर सेलेक्ट करना, आधार कार्ड सेलेक्ट करना। आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद में जिस भी व्यक्ति का चाहते हैं कि हाँ इसका मतलब नंबर अपडेट करना या अब एड्रेस अपडेट करना या नाम अपडेट करना, बस नाम आप एक ही बार अपडेट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते, एक या दो बार होता है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना, आपको जिसके नाम से यहाँ पे क्या करना, एड्रेस को मतलब मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो उनका टोटल नाम यहाँ पे लिखना, जो आधार कार्ड पे नाम हो सेम नाम, ये नहीं कि नाम किसी और अपडेट किसी और का करवा लेना, तो ऐसा नहीं कुछ करना है। तो जिसका भी नाम आधार कार्ड पे नाम है, जिसका नंबर अपडेट करवाना है, तो वही नाम और वही सेम एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पे पहले नाम लिख लीजिए, उसके बाद जो सरनेम है, जो टाइटल हो टाइटल लिख लीजिए। टाइटल लिखने के बाद में आपको जो मोबाइल नंबर अपडेट करना है, वो मोबाइल नंबर आपको इसमें इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, तो अगर आप चाहते हैं कि ईमेल साथ साथ मोबाइल नंबर के साथ साथ आप चाहते हैं कि ईमेल आईडी भी अपडेट करना, तो आप ईमेल आईडी भी अभी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी लिखने के बाद में यहाँ पे आपको आ जाएगा एड्रेस फर्स्ट लाइन, मतलब कि आपका जो भी एड्रेस है, और एड्रेस में आपको एक्यूरेट एड्रेस देना है, ये नहीं कि कुछ अलग देना है, नहीं तो आगे बताएंगे आगे क्या करना है। तो आप जो भी एड्रेस लिखिएगा तो एड्रेस में एकदम सही से लिखिएगा, गलत इसमें एड्रेस नहीं फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे फिलहाल अभी आपको बता रहे ईमेल आईडी, जो आपका ईमेल आईडी है, जो करंट ईमेल आईडी जिस पे आप ईमेल वगैरह आते हैं, तो आप वही ईमेल आईडी डालिएगा, ना कि दूसरा डाल दीजिएगा, नहीं तो कहीं कि इसमें भी ओटीपी, जैसे बाय द वे अगर आप कल को आधार नंबर लोड कीजिएगा, आधार कार्ड लोड कीजिएगा, तो नंबर तो अपडेट रहेगा ही, तो नंबर पे जा सकता है। उसके बाद में आप जो ईमेल दीजिएगा तो उस ईमेल पे भी आता है, तो आप जो भी डालिएगा एकदम सही से डालिएगा, एक्यूरेट डालिएगा, गलत मत डालिएगा। उसके बाद में क्या करना है कि आपको आपको यहाँ पे जो एड्रेस है, जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आपका, वो एड्रेस आपको यहाँ पे आपको एकदम सही से फिल करना होगा, क्योंकि इसमें आपका जो भी मतलब एड्रेस है आधार कार्ड पे, वो एड्रेस एकदम इसमें सही से ही डालना, गलत मत डालिएगा। गलत डालने के बाद में ये एड्रेस आपका मतलब मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या करना, आपको एकदम सही से फिल करना होगा जो भी आपका एड्रेस है आपका। आप सबसे पहले घर मतलब एड्रेस में आपको घर हो गया, उसके बाद में पोस्ट हो गया, उसके बाद में PS हो गया, उसके बाद में ब्लॉक हो गया, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट हो गया, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं बस इंडिया का होना चाहिए। उसके बाद में पहले आपको एड्रेस हो गया मतलब घर था, और उसके बाद PS हो गया, उसके बाद में पोस्ट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद में स्टेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, पिन कोड भी लिखना है, मेन पिन कोड इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या करना, आपको टोटल अपडेट कर देने के बाद में यहाँ पे उसको सेकंड एड्रेस लाइन में लिखा हुआ, तो जो अपने एड्रेस यहाँ पे लिखना है लिखे हैं मतलब, तो उस एड्रेस को आपको फिर से आपको सेकंड जो एड्रेस मतलब कि सेकंड एड्रेस सेकंड लाइन जो लिखा आपको उसमें इसको कॉपी कर दीजिए, या तो कॉपी होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख ही दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसको क्या करना है, आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे एकदम सही से फिल करना है, गलती तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, गलती कीजिएगा तो बाद में आपको ही पछताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एकदम सही से फिल कीजिएगा, जो भी आपने जो एड्रेस जो फर्स्ट लाइन में जो एड्रेस आपने जो लिखा तो उसको क्या कीजिए, पूरा पूरा वो कॉपी करके, और उसके बाद जो सेकेंड एड्रेस लाइन जो लिखा हुआ है उसके बाद उसमें आपको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको जो पिन कोड है उस पिन कोड को आपको यहाँ क्या करना, आपको पिन कोड भी आपको एकदम सही से फिल करना है। उसके बाद आपको आ जाएगा यहाँ पे डिवीजन, मतलब कि डिवीजन मतलब डिस्ट्रिक्ट कौन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पे डिवीजन लिखना होगा। डिवीजन लिखने के बाद में यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रीजन
मतलब कि रिलीजन मतलब रीजन क्या है आपको यहाँ पे, नॉर्थ में या साउथ में, मतलब जो भी आपका जो मतलब जो आपका जो स्टेट है तो साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सब होता है, तो आप जिस मतलब नॉर्थ से बिलोंग करते हो वो भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। लिखने के बाद में ये ऑटोमेटिकली इसे फिल कीजिएगा, पिन कोड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसको हमें जो मैसेज बॉक्स जो दिया हुआ है उस मैसेज बॉक्स में अपने भाषा में मतलब जो भी आप एकदम डिटेल भाषा में आपको लिखना होगा कि आप किस लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको एड्रेस अप्लाई कर मतलब एड्रेस चेंज करना है, नाम चेंज करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आपको इसमें टोटल आपको इतने एक्यूरेट सही बताना होगा मैसेज, ताकि ये अब एक बात सुन लीजिए, ये जो अपडेट का मतलब जो भी इसमें अब नाम फिल कर रहे हैं इसमें उन लोगों के लिए है जो बंद मतलब जो चल नहीं सकते, कहीं पे जा नहीं सकते, कहीं पे आ नहीं सकते, तो आपको इसमें उनका पूरा डिटेल लिखना होगा। और ये 60 मतलब ये 50+ 60+ लोगों के लिए, तो इसमें टोटल आपको मैसेज भी देना होगा जो भी आप जिस लिए अप्लाई कर रहे हैं, नंबर एडिट करने के लिए, मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, तभी ये बंदा आपको IPP जो बैंक है ये उसके द्वारा आपके दरवाजे पे आएगा और यहाँ से बना करके जाएगा। और उसका जो चार्ज होगा वो आने के बाद चार्ज बताएगा, कितना चार्ज है नहीं चार्ज है वो आने के बाद ही बताएगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि टोटल इसमें जो भी एड्रेस आपको एकदम सही से लिखे, जब भी सबमिट कीजिएगा यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, आप जो भी अगर बंदा कोई आता है तो आपके नंबर पे कॉल, अपने नंबर दिया उस नंबर पे कॉल करके आपको पूरा अपडेट भी कर देगा कि आपका एड्रेस पूछ लेगा। उसको तो वेरीफाई करने के बाद वो बंदा आपके दरवाजे पे आ करके आपका जो भी आपने जो रिक्वेस्ट डाला था वो रिक्वेस्ट को पूरा करके वो अपना फिर से चल जाएगा। तो आशा करते हैं आज का जो नॉलेज आपको बताएं, जो आधार कार्ड में नंबर आप घर पे रहकर कैसे अपडेट करें, टोटल प्रोसेस हमने आपको इस वीडियो में बताया। तो आशा करते हैं जो आज का वीडियो तो काफ़ी बेहतरीन और अच्छा भी था। सो मिलते हैं फिर कुछ नए टेक के साथ नए वीडियो में। सो जय हिंद।